अमीरी गरीबी की जो आकलन करने वाली संस्था है, नाम याद नहीं आ रहा, उसने एक आंकड़ा दिखाया जिसमें पूरा दुनिया में गरीबों की संख्या बढ़ने लगी और पता नहीं हमारे इस देश के नीति निर्धारक कौन से आंकड़े बताते हैं कि भारत देश में गरीब लोग खत्म हो गया। नहीं के बराबर है आप गरीब लोग, वो भी कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा। हमको समझ में नहीं आता है कि लोग कौन सा चश्मा से देश को देखता है। आज इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि झारखंड के खनिज संपदाओं को उनको दिल्ली में बैठ कर अधिकार देता है। जो अंतरिक्ष में भेजा गया उपग्रह, उसके माध्यम से कहां कहां कोयला है, कहां लोहा है, कहां बॉक्साइट है, कहां एल्युमिनियम है, सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन यहां का गरीब लोग नहीं दिखाई देता, दूरबीन से भी उनको नहीं दिखाई देता। और आज जहां हम लोगों के लिए गरीबों की एक सूची बनाई थी लोगों को आवास देने के लिए, वो हम लोगों ने लगभग 8 लाख लोगों को चिन्हित किया था, जिसमें से कुछ पैसा केंद्र सरकार देती थी, कुछ पैसा राज्य सरकार देती थी, कुल मिलाकर के 1,30,000 रुपया का आवास पहले गरीब लोगों को मिलता था। उस आवास का नाम पहले इंदिरा आवास हुआ करता था, लेकिन वर्तमान केंद्र की सरकार ने उसको नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास कर दिया। ये लोग अपना नाम बदलने में बहुत माहिर है, बनाएगा कोई मोहर लगाएंगे हम अपना, यही इनका काम है। एक समय इनका कहना था कि देश के सब गरीबों को आवाज दे, अब कहते हैं सबको हम आवाज देंगे, लेकिन जब हम अपने इस राज्य के 8 लाख लोगों का आवास की सूची लेकर के दिल्ली गए तो वहां मंत्री बोलता है आप यहां 8 लाख गरीब नहीं है, आपके राज्य में मात्र 4 लाख गरीब लोग। पहले तो गरीबी नहीं दिखा, चलो 8 से 4 लाख दिखा तो आप बोले ठीक है भाई, आपको 8 नहीं दिखा, आपको 4 ही दिखा तो 4 लाख का पैसा दे दीजिए आपका अपना हिस्सा, ताकि हम गरीब लोग का आवाज दे दें। कुछ दिन के बाद जो हमने भारत सरकार के पोर्टल में भी चढ़ा दिया था 8 लाख लोगों का नाम, कुछ दिनों के बाद हमें खबर आई कि झारखंड सरकार को अब आवास के नाम पर कोई पैसा नहीं मिलेगा। हम बोले ये कैसे हो सकता है, आज देश का सारा पैसा इकट्ठा करने का जिम्मा केंद्र सरकार ने ले रखा है, हर चीज से टैक्स वसूलता है, आपसे भी टैक्स वसूलता है, आप नमक खरीदते हैं उसमें टैक्स लगता है, आप कपड़ा खरीदते हैं उसमें टैक्स लगता है, दाल चावल तेल खरीदते हैं उसमें टैक्स लगता है, बच्चों के लिए जूता चप्पल कलम कागज खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है, चाहे वो हाट से खरीदते हो चाहे वो आप बाजार से खरीदते हो, जहां से भी खरीदिएगा आपको टैक्स लगेगा।
और वो टैक्स सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार के पास जाकर जमा हो रहा है। पहले तो एक समय कुछ राज्य सरकारों को भी अधिकार था पैसा जमा करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। आखिर हम गरीब दुर्बल को अनाज देंगे, आवास देंगे, बच्चों के शिक्षा में बेहतर सुधार लाएंगे, उनका स्कॉलरशिप, उनका जो छात्रवृत्ति है वो बढ़ाएंगे, बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन देंगे, महिलाओं विधवा महिलाओं को पेंशन देंगे, तो पैसा तो चाहिए। हमारे इस राज्य का खनिज संपदा से पूरा दुनिया जगमगाता है, पूरा देश जगमगाता है, लेकिन यहां के लोग अंधकार में रहने के लिए मजबूर हो गए। बड़ा विचित्र स्थिति बना। हम लोगों ने आज सरकार बनाई, कोरोना जैसा महामारी आया, डेढ़ दो साल वही खा गया हम लोगों का, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। एक एक समस्या का समाधान हम करते जा रहे हैं। पहले बूढ़ा बुजुर्ग लोग बेचारा पेंशन के लिए दर दर भटकता था, किसी का 80 साल 90 साल और कुछ मर भी गया लेकिन पेंशन नहीं मिला। हमने कानून बना दिया, इस राज्य में जो भी 60 साल का होगा उसको पेंशन मिलना अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन आपको एक और खुशी की बात बता दें, हम लोगों ने 60 साल का उम्र जो हम लोगों ने बनाया था, हम बोले भाई 60 साल का तो हम लोग बना तो दिया, सबको पेंशन भी मिल रहा है 60 साल, और जो 60 साल का बुजुर्ग नहीं है वो दिन गिन रहा है कब 60 साल हो गए ताकि तुरंत पेंशन मिल जाए, नहीं तो दलाल का चक्कर लगाते लगाते भी पेंशन नहीं मिलता और ठग मिलकर। और आज वो 60 साल का पेंशन का जो उम्र सीमा है अब हम घटा करके उसको 50 साल करने जा रहे हैं। बहुत जल्द, क्योंकि 60 साल का वर्ग तक में 50 साल के बाद भी तो कोई काम नहीं देता है हमारे बुढ़ा बुजुर्ग को, और 50 साल का उम्र होने के बाद बेचारा क्या करता है। गांव देहात में ऐसी गरीबी ऐसा उम्र से पहले बुढ़ा होने लगता है। तो हमने ये निर्णय लिया कि 50 को अब 60 को अब हम 50 करेंगे, आप हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो है उनको पहले से। हमने देखा कि जब हमने 60 साल किया तो कई बूढ़ा बुजुर्ग जो फिर दलालों के चक्कर में फंसने लगे थे अपना आधार कार्ड में उम्र सीमा को बदलवाने में, लेकिन आपका आधार कार्ड आज सरकार के पोर्टलों में दर्ज है, आप आधार कार्ड के साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं और कोई आपको ठग लेता है तो फिर आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। इसका मतलब कि लोग बेचारे अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग बच गए जिसको ये पेंशन की आवश्यकता है। इसीलिए हमने सोचा कि आप 60 साल को हटाकर हम 50 कर ले, ताकि आप कोई दलाल का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं हो। इसीलिए अब अबुआ आवाज हम लोगों ने यह निर्णय लिया है, अब हम अपना आवाज बनाएंगे, राज्य सरकार अपने से आवाज बनाएगी, आपके लिए, आपको बेहतर और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए। जो पहले आवास मिलता था 2 कमरे का और 1,30,000 रुपए का आवास, अब हम आपको 3 कमरे वाला और 2 लाख रुपया का आवाज देने का काम करें। आपका जब हम लोग
लोगों की संख्या गिरी थी, लेकिन जब हम गरीबों के लिए अबू आवास योजना घोषणा किए, उसके बाद जब हमने शिविर लगाया गांव गांव पंचायत पंचायत में, तो मैं आज हैरान रह गया कि 8 लाख से अधिक गरीब है इस राज्य में। पता चला कि 30 लाख आवेदन आ गया। हमने कहा भाई 30 लाख आवास बनाते बनाते तो 40 साल बीत जाएगा, इतना पैसा आएगा कहां से? ये 8 लाख के लिए तो हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत किया है, उसके लिए हम लोगों ने पैसे भी बचाए, लगभग 15,000 करोड़ रुपया इसमें लगना है, उससे अधिक लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन यहां पर 30 लाख आवेदन आए। उन सब को भी हम लोगों ने छांटना कोशिश किया कि सही है गलत है, कुछ फर्जी लोग भी भर देता है, सुखी साधा लोग भी भर देता है, सरकार दे रही है तो लूट लो, यही होता है। बहुत गहन खोजबीन के बाद 29 लाख तो बचे, 30 लाख तो हुए नहीं, लेकिन 20 लाख अभी भी हमारे राज्य में गरीब लोग जिनको आवाज की सख्त आवश्यकता है। अब हम लोग सोचे कि अब कैसे इसको बनाएंगे, 8 लाख लोगों की तैयारी तो हमने कर ली, लेकिन 20 लाख लोग क्या करेंगे हम? तो ये सरकार को आपने बनाया है, यहां के मूलवासी आदिवासियों ने बनाया है, आपके प्रति जो हमारा वादा है, हम लोगों ने जो भी वादे आज तक किए हैं हर वादे को हमने पूरा किया है। हमने कहा कि इस 20 लाख को भी देंगे, भले 1 साल नहीं 2 साल नहीं, इसका गणना जब हमने किया तो 2027 तक सभी गरीबों को 20 लाख गरीबों को आवाज देते। आप सब लोगों को सुन लीजिए, यहां जितना लोग आए हैं आप सब लोग लाभुक है, आप लोगों के लिए आवास सेंशन हो गया है, अब आप आवास बढ़ाना शुरू कीजिएगा। लेकिन आप लोग दलालों के चक्कर में मत पड़िएगा, क्या दलाल लोग भी बहुत घूमता है आपका पैसा हड़पने के लिए। अब इस स्वीकृत आवास की जो सूची है, किस किस पंचायत में कितने लोगों को मिला है, इन सभी लोगों का नाम पता उस पंचायत भवनों में दीवारों में लिखा जाए, किसको किसका आवास आवंटित हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आठवां नौवां दसवां 200 जो भी हो, और जैसे जैसे पहला को मिला तो दूसरा को मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा तक लोगों का आवंटन हो गया, उसके बाद सातवां को मिलेगा। जो लाइन लगेगा किसकी सूची पहले है, कौन आगे कौन पीछे है, वो सब आपके दीवार में लिखा रहेगा। और अगर आपके पास मोबाइल है, अगर मोबाइल नहीं है तो अगर आपका बेटा का मोबाइल है तो वो नंबर भी आपसे हम लेंगे, और समय समय पर आपको उस मोबाइल के माध्यम से सूचना प्राप्त होगा कि आपका नंबर कितना घट रहा है। आपको पता चलता रहेगा कि इसका हो गया इसका हो गया, मेरा बारी आ गया। तो इसके लिए दलालों के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो सबको लगता है आपका घर हम सेंसर करा देते, उससे फिर 5,000 रुपये ले लेगा, फिर आप उससे दोबारा पैसा वापस नहीं ले पाएंगे। इसी हम लोगों ने आज 8 लाख गरीबों से बढ़ाकर 20 लाख गरीबों को आवाज देने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। 20
20 लाख आवास बनाने के लिए भी उतना मिस्त्री चाहिए, उतना मजदूर चाहिए आपको। तो इसलिए आज हम लोगों ने खूंटी और सिमडेगा मिलाकर के लगभग आज यहां जो आप लोग आए हैं 8,000 से अधिक लोग यहां है जिनको आज आवास अब वो आवास की योजना मिलने जा रही है। इन दोनों जिला में मिलाकर लगभग 75,000 अब आवास खूंटी और सिमडेगा जिले में लोगों को मिलेगा। बातें बहुत हैं, आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं कि हम लोग किस तरीके से आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। कल भी बहुत सारा बच्चों को लगभग 2,500 बच्चियों को हम लोगों ने प्राइवेट कंपनी में नौकरी दिया है और जहां वो काम कर रही है या कर रहा है वहां पर सरकार बनने के बाद से आज तक हम लोग लगभग 12,000-13,000 बच्चों को वहां रोजगार दे चुके हैं, वहां काम कर रहे हैं। जो 10,000 रुपए कमा रहा था वो आज के दिन में 1,00,000 रुपए कमा रहा। सरकार के पास लोगों को रोजगार देने की चुनौतियां रोज दिन ब दिन बढ़ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने अपनी बड़ी बड़ी कंपनी प्राइवेट एजेंसियों को बेच दिया। अब वहां नौकरी नहीं है, अब राज्य सरकार के पास जितनी क्षमताएं हैं सरकारी नियुक्तियां भी निकल रही है, गैर सरकारी संस्थानों में भी हम लोगों ने कानून बना दिया कि जो भी यहां कंपनी लगेगी 75% लोग हमारे यहां के लोकल स्थानीय लोग होने चाहिए। इसके तहत अभी तक हम लोगों ने 50,000 से अधिक बच्चों को विभिन्न कंपनियों में नियुक्ति पत्र दिया। कोई बहुत अच्छा कंपनी, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी भी है और कुछ छोटा कंपनी भी है, रोजगार तो रोजगार है। उससे भी अगर हमारा रास्ता खत्म नहीं होता तो स्वरोजगार के लिए भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चला रखी है जहां आप आवेदन देकर के स्वरोजगार के लिए जो आपको काम करना है, महिला हो पुरुष हो, चाहे आप राशन दुकान चलाना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाना चाहते हैं, सिलाई दुकान चलाना चाहते हैं, बहुत सारा लड़का सब अलग अलग राज्य में जाकर के कोई टेम्पू चलाता है, कोई टैक्सी चलाता है, आप मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में अगर आप गाड़ी भाड़ा में चलाना है तो आप आवेदन कीजिए बिना गारंटी का, बिना बंधक रखे, कोई जमीन गिरवी आपको रखना नहीं पड़ेगा। आप आवेदन दीजिए, आपको सरकार जो गाड़ी आप चाहते हैं वो गाड़ी आप उपलब्ध करा सकते हैं।